हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये हल्दी गेस्ट मेकअप लुक। मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मैं आपको अब दिखाऊंगी कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट करा है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये लुक बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं मैंने एंड कोई भी इसे कैरी कर सकता है इस लुक को किसी की भी हल्दी में। चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट करा है। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक प्राइमर, बिकॉज प्राइमर हमारे मेकअप को काफ़ी लंबे टाइम तक रखेगा और हमारे फाउंडेशन का एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ कर देगा। तो मैं यहाँ NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट्स का डिटेलिंग, सारा मेरा शेड, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने प्राइमर लगाने के बाद कलर करेक्टिंग करी है, बिकॉज मुझे पिंपल स्पॉट्स हैं और पिगमेंटेशन है अंडर आइज़ में एंड मैं हमेशा कलर करेक्टिंग करती हूँ, कभी भी स्क्रिप्ट नहीं करती। आपको अगर ऐसा कुछ नहीं, आपकी स्किन ब्लेस्ड है, अच्छी है, तो आप कलर करेक्टर स्किप करिए। मैं इसे हाथों से फिंगर की से ब्लेंड करी हूँ अच्छे से एंड नेक्स्ट मैं यूज करी हूँ हम सबका फेवरेट मेबलिन फिट मी। ये ट्यूब वाला फाउंडेशन है। मेरा शेड है 310 सन बेज और मैं इसे अपने पूरे फेस पे इंक्लूडिंग माय नेक अप्लाई कर लूंगी। मुझे फाउंडेशन ब्लेंड करना ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसी से ब्लेंड करी हूँ। ये बहुत सीमलेस फिनिश देता है। सो या फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद मैं हिलारी रोडा का ये एज कवर कंसीलर यूज करी हूँ और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर अप्लाई करी हूँ और फिर मैं इसको ब्लेंड करी हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अगैन। सब कुछ अच्छे से सीमलेस ब्लेंड करी हूँ ताकि फाउंडेशन में मिक्स हो जाए कंसीलर और आउटलाइन ना दिखे उसकी। नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ ये SFR का कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि लूज बन गया है, टूट गया था मुझसे एंड ये शेड 02 है। तो मैं इसे खूब सारे अमाउंट में पूरे फेस पर अप्लाई करी हूँ। मैं एक ऑयली स्किन वाली इंसान हूँ, तो मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर ढेर ढेर से अप्लाई करना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना। नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ कॉन्टोरिंग। ऑफकोर्स हमको थोड़ा बहुत चिजल आउट करना है फेस को ताकि अच्छा लगे, तो बस मैं वही करी हूँ, थोड़ा बहुत चिजल आउट करी हूँ अपने फेस को कॉन्टोरिंग यूज़ करके। मैं ज़्यादा एक्सट्रीम कंटूरिंग नहीं करी, बहुत हल्का ही लाइट हैंडेडली करा है। नेक्स्ट मैं ये हिलारी रोडा का शेडो पैलेट ले रही हूँ। ये 01 शेड है, इसमें दो पैलेट्स आते हैं, तो ये 01 शेड है, इसमें न्यूड कलर्स हैं। मैं इसका ये एक बहुत ही न्यूड कलर पिकअप करके पूरी आईलेट पे लगा लिया मैंने। फिर मैं ये ब्राउन एंड ऑरेंज मिक्स कलर अप्लाई करके एक पेंसिल ब्रश पे पूरी आईलेट पे अप्लाई करी हूँ, इंक्लूडिंग माय लोअर लैश लाइन। खूब अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड या मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये गोल्डन कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो उसकी पिगमेंटेशन। तो मैं इसे अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। ये एक फॉइल शेड है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, ग्लिटर शेड नहीं है, ये फॉइल शेड है, तो बहुत प्रिटी लग रहा है। इसको थोड़ा सा और पिगमेंटेशन देने के लिए मैंने यहाँ पर ये कलर्स क्वीन का गोल्डन ग्लिटर आई लाइनर अप्लाई करा है। मैंने इस पूरे गोल्डन जो मैंने पुट करा था ना, उसके ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर लिया एंड मिक्स कर दिया, तो आप देख सकते हो एक इंटेंसिटी बढ़ गई उस गोल्डन कलर की। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ अपने कंटूर पाउडर जो मैंने यूज़ करा था सिवाना कलर्स का, उसी को लेकर एक ब्रश पे, एंड मैंने आईब्रोज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। अच्छा, येलो लुक के साथ ऑरेंज ब्लश बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बस वही लगा रही हूँ, ऑरेंज कलर का ब्लश। मैंने जो ग्लिटर आई लाइनर यूज़ करा है वो मैंने अपनी लोअर लैश लाइन में भी थोड़ा बहुत लगा लिया है ताकि आईज थोड़ी और ओपन अप लगे, स्मार्कली लगे। नेक्स्ट मैं ऑफकोर्स आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड बहुत ही थिन सा आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, विंग वाला। सो या वही ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये मियोन का आईलाइनर ले रही हूँ जो कि मैट है, गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने बाल टाई कर लिए। नेक्स्ट मैं ये मियोन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि रोज़ गोल्ड शेड है 04 आई गेस, और इसकी पिगमेंटेशन एकदम ब्लाइंडिंग है, ब्लाइंडिंग। तो मैं इसको एक प्रिसाइज ब्रश पे लेकर अच्छे से खूब अपने हाईलाइटेड एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ, हाईलाइटर जहाँ जहाँ मैं अप्लाई करती हूँ, और या पुट करी हूँ अच्छे से। नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ यहाँ ऑरेंज कलर की लिपस्टिक। आपके पास जो भी ब्रांड की ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है आप वो यूज़ करिए। ये शायद काइली की थी, जो भी होगा शेड नेम या इसका सब्सटीट्यूट जो आप यूज़ कर सकते हो अफोर्डेबल रेंज में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने इनर कॉर्नर्स में हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है और अब मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का प्रिसिजन मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने आईज़ में। मैं फॉल्सीज भी वेयर करूँगी ऑफ कैमरा, क्योंकि फॉल्सीज कंबाइंड लुक दे देगा, क्योंकि ये थोड़ा एक पार्टी फंक्शन वाला लुक है। नेक्स्ट मैंने ये बहुत ब्यूटीफुल सी झुमकियाँ पहनी हैं जिसमें बहुत सारे मिक्स्ड वाले पर्ल्स होते हैं और रत्न होते हैं ना, नौरत्न टाइप जो होते हैं, ये वही पहना है मैंने। हेयर के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके, फ्रंट ट्विस्ट करके मैं बैक में ले जा रही हूँ, पिन अप कर ले रही हूँ, थोड़ा बहुत फ्लेक्स निकाल ले रही हूँ, अच्छे से सेटल डाउन कर ले रही हूँ, तो बस वही बहुत लाइट एंड सिंपल सा रख रही हूँ। और दुपट्टा मैंने नॉर्मली वेयर करा है। सो यस, आप चाहो तो हेयर में पीछे से फ्लावर्स भी लगा लो येलो कलर के, या फिर कुछ भी हेयर एक्सेसरीज लगा लो, एंड दिस इज़ द कंबाइंड लुक। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, बहुत ही प्रिटी लुक है, बहुत ही वेयरेबल है। आप लोग ट्राई आउट करते हो तो ज़रूर बताना, और कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर बताना। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, आई लव यू गाइस अ लॉट, बाय बाय।